Hello, hello, welcome to Digital Maths. Welcome everyone. See, up to now you have gone through exercise 9.1, 9.2, 9.3. Now we are going to start with exercise 9.4 of class 8, chapter number 9, algebraic expressions and identities. Clear? See, share these videos, like these videos and comment. आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो कमेंट करना है और दूसरों को बोलिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको रोज कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया चैप्टर्स अपलोड होते होंगे और आपको एक काम आते जाएंगे. क्लियर? सो लर्न वेरी ग्रेटफुली और समझने की कोशिश करो. नहीं आता है जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और अगर समझ में आ जाता है तो भी कमेंट कीजिए कि हाँ आई गॉट आई हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग, सो दैट विल बी मेक श्योर. लेट अस सी व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस वीडियो. क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ बाइनोमियल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल. इससे पहले हमने मोनोमियल विथ मोनोमियल, मोनोमियल विथ बाइनोमियल, मोनोमियल विथ ट्राइनोमियल देखा था. नाउ वी आर गोइंग टू गो विथ बाइनोमियल एंड बाइनोमियल विथ ट्राइनोमियल एंड एक्सरसाइज 9.4. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्पल, बाइनोमियल विथ बाइनोमियल कैसे होगा. सो हियर इज द एग्जाम्पल, ए प्लस टू इंटू बी माइनस फाइव. सो वॉट यू टू डू इज आपको पहले a को b माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई करना है और 2 को b माइनस फाइव के साथ मल्टीप्लाई, बिकॉज a वुड बी मल्टीप्लाई विद दिस एंड देन प्लस साइन, क्योंकि इसमें प्लस है तो प्लस साइन विद b इंटू माइनस फाइव. अब क्या होगा, a इंटू b क्या होता है, ए बी. ए इंटू माइनस फाइव क्या होता है, माइनस फाइव ए. प्लस टू इंटू बी दैट इज टू बी. फाइव इंटू फाइव, टू इंटू फाइव दैट इज माइनस टेन. सो योर आंसर वुड बी ए बी माइनस फाइव ए प्लस टू बी माइनस टेन. अब देखो बहुत टाइम हो गया आप कंटिन्यूसली कर रहे हो तो डायरेक्ट करने का टाइम आ गया. अब ऐसा नहीं करोगे ए इंटू बी माइनस ए इंटू फाइव प्लस टू इंटू बी माइनस टू इंटू फाइव, फिर उसके बाद आप लिखोगे ए बी माइनस फाइव ए प्लस टू बी माइनस टेन. जस्ट गो डायरेक्टली, डायरेक्टली करने की कोशिश करो. सीखो यहाँ पे कि ए इंटू बी क्या होगा, ए बी. ए इंटू फाइव क्या होगा, माइनस फाइव ए. टू इंटू बी क्या होगा, टू बी. टू इंटू माइनस फाइव क्या होगा, माइनस टेन. So that must be aware, क्योंकि अब आप धीमे धीमे ग्रास्प करते जा रहे हो. पहले पता था ठीक है, यू डोंट नो, यू वर नॉट नोइंग एट ऑल, बट नाउ यू आर नोइंग, सो यू मस्ट डू डायरेक्टली. क्लियर? नेक्स्ट दे रहा हूं, आप खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो कैसे करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे दिस वन एंड देन बी स्क्वायर के साथ. सो यू विल गेट ए स्क्वायर इंटू फाइव ए माइनस थ्री बी. प्लस प्लस साइन यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस, माइनस होता तो माइनस. टू बी स्क्वायर इंटू फाइव ए माइनस थ्री बी. सो नाउ वॉट विल डू, नाउ ए स्क्वायर इंटू फाइव ए स्क्वायर. देखो डायरेक्ट करना है, समझना. तो फाइव तो एज इट इज, ए स्क्वायर इंटू ए रेज टू वन मीन्स ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर इंटू थ्री बी, दूसरे वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी, क्योंकि दोनों का वेरिएबल अलग है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, तो हमको कुछ टेंशन है ही नहीं, डायरेक्ट. नाउ टू फाइव आर टेन ए बी स्क्वायर एंड टू थ्री आर सिक्स, सो माइनस सिक्स, क्योंकि माइनस और प्लस है तो माइनस सिक्स आएगा और बी स्क्वायर इंटू बी तो बी क्यूब. क्लियर? सो आंसर हो जाएगा फाइव ए क्यूब ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर, तो वो कोई चेंजेस नहीं होगा, तो ये आंसर आपका यहीं पे आ गया. क्लियर? इतना करने की जरूरत नहीं है और आंसर इज दिस इटसेल्फ, फाइव ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस टेन ए बी स्क्वायर माइनस सिक्स बी स्क्वायर. देख लो कैसे, तो हियर इट इज ए स्क्वायर इंटू फाइव ए, फाइव ए क्यूब ए स्क्वायर इंटू थ्री बी माइनस थ्री बी, सो माइनस थ्री ए स्क्वायर बी. 2b square into 5a, तो 10ab square plus 2b square into minus 3b, तो minus 6b. One by one, step by step follow करो, you will surely get the answers. चिंता मत कीजिए. Next, multiplication of binomial with trinomial. So a plus 2 into a plus b minus 5. कुछ भी नहीं करना है, same process. a को a plus b minus 5 के साथ करो, 2 को a plus b minus 5 के साथ करो. तो a into a, that is a square. प्लस ए इंटू बी तो ए बी, प्लस और माइनस तो माइनस फाइव ए, क्योंकि फाइव ए फाइव के साथ मल्टीप्लाई है. टू इंटू ए तो प्लस टू ए, टू इंटू बी तो प्लस टू बी एंड टू इंटू माइनस फाइव तो माइनस टेन. सो आंसर आपको क्या मिला, ठीक है, यानी यहां पे माइनस फाइव ए प्लस टू है तो उसको करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस थ्री ए, क्योंकि माइनस फाइव ए इंटू प्लस टू ए, तो a तो एज इट इज रहेगा. माइनस फाइव प्लस टू मीन्स माइनस थ्री, सो माइनस थ्री ए प्लस टू बी माइनस टेन. ठीक है, सो योर आंसर इज हियर ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस थ्री ए प्लस टू बी माइनस टेन.
जो भी आंसर आता है प्रॉपरली मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पे देखो ए को ए के साथ किया तो ए स्क्वायर, ए को बी के साथ किया तो ए बी, ए को माइनस फाइव के साथ किया तो माइनस फाइव ए, टू इंटू ए टू ए, टू इंटू बी टू बी, टू इंटू माइनस फाइव दैट इज माइनस टेन बस। और यहाँ पे फाइव ए और टू ए था दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस थ्री ए, ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो व्हाटएवर यू वांट टू टेल, माइनस फाइव और माइनस प्लस टू क्या होता है माइनस थ्री, बड़े वाले की साइन लगती है और सब्ट्रैक्शन होता है प्लस माइनस माइनस, खाली साइन किसकी होती है बड़े वाले की, प्लस हो या माइनस बड़े वाले की। नेक्स्ट ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वेरिएबल सारे अलग है तो बहुत ईजी हो जाएगा आपको, ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। सो आपका डायरेक्ट लिख रहा हूं ए एक्स ए वाई ए जेड प्लस बी एक्स बी वाई बी जेड, देखो सारे के सारे वेरिएबल्स अलग थे तो कितना इजी हो गया कैलकुलेशन। सो सिमिलरली आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट डिपेंड्स, आप धीमे 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 वन बाय वन सीख जाओगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस में जैसे ही आएगा ना आपको सब कुछ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट करते हैं हम लोग डिजिटल मैथ्स के ऊपर, और कोई भी डाउट है कुछ भी कंफ्यूजन है यू हैव टू जस्ट कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज शेयर दिस वीडियोस, लाइक दिस वीडियोस और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को अगर आप देख रहे हैं तो। क्लियर? सो मेक श्योर फर्स्ट वाला बाइनोमियल विद बाइनोमियल मल्टीप्लाई करना है, सो 2x plus 5 into 4x minus 3। सो क्या करेंगे पहले 2x को इन दोनों टर्म के साथ 2x into 4x minus 3 plus 5 into 4x minus 3 इस तरह से होगा। अब ये इसके बाद वाला स्टेप मैंने यहां पे लिखा हुआ है 2x into 4x and minus 2x into 3 plus 5 into 4x minus 5 into 3। हमने ब्रैकेट ओपन कर लिया इसीलिए ये आंसर आ गया ब्रैकेट ओपन करने के बाद। सो टू टू जा एट एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, टू टू जा टू फोर जा सॉरी टू टू जा नहीं टू फोर जा एट एक्स इंटू एक्स दैट इज एक्स स्क्वायर, टू थ्री जा सिक्स तो माइनस सिक्स एक्स, फाइव फोर जा ट्वेंटी तो प्लस ट्वेंटी एक्स, फाइव थ्री जा फिफ्टीन तो माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस फिफ्टीन। अब माइनस सिक्स प्लस ट्वेंटी एक्स दोनों के वेरिएबल सेम है तो यहां पे ध्यान रखना है सिक्स एक्स और सिक्स एक्स तो वेरिएबल सेम है तो एक्स कॉमन। अब ट्वेंटी माइनस सिक्स कितना होता है फोर्टीन, तो फोर्टीन एक्स, सो एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन, एट एक्स स्क्वायर प्लस फोर्टीन एक्स माइनस फिफ्टीन। नेक्स्ट वाई माइनस एट इंटू थ्री वाई प्लस माइनस फोर, पहले आपको मेंशन करना है फिर आपको क्या करना है जस्ट y इंटू थ्री वाई माइनस फोर माइनस एट इंटू थ्री वाई माइनस फोर। ठीक है, अब y का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो थ्री वाई स्क्वायर, y का फोर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस फोर वाई, एट थ्री जा दैट इज ट्वेंटी फोर वाई एंड एट फोर जा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि ये भी माइनस साइन ये भी माइनस साइन तो प्लस, एट फोर जा थर्टी टू, सो वी गॉट द आंसर। क्लियर? लेकिन यहाँ पे 3y स्क्वायर एज इट इज माइनस 4y माइनस 24y, दोनों का कांस्टेंट टर्म y है सॉरी वेरिएबल y है तो माइनस 24 माइनस 4 कितना होगा माइनस 28y प्लस 32, सो आंसर आपका आएगा ये। देखो क्या होता है चेक कर लेते हैं, सो y इंटू थ्री वाई माइनस फोर इंटू वाई माइनस एट इंटू थ्री वाई प्लस 32। यहाँ पे एक स्टेप मैं भले नहीं लिखा हुआ है बट यू गो विद दिस स्टेप, हाँ ये स्टेप हमेशा लिखना, मैंने मेंशन नहीं किया है बट यू गो विद, हर बार शायद बाय मिस्टेक से जल्दी जल्दबाजी में मैंने डायरेक्ट, क्योंकि मेरी आदत है डायरेक्ट करने की तो मैंने डायरेक्ट कर दिया होगा, बट ये स्टेप आप जरूर लिखो आपको इजी हो जाएगा कैलकुलेशन वगैरह के लिए। ठीक है, सो दिस इज थ्री वाई स्क्वायर, थ्री वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई माइनस फोर वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई माइनस ट्वेंटी फोर वाई प्लस थर्टी टू। अब ये दोनों का एडिशन करेंगे तो हमको मिलेगा थ्री वाई स्क्वायर माइनस ट्वेंटी एट वाई प्लस थर्टी टू, माइनस फोर और माइनस ट्वेंटी फोर दोनों माइनस साइन है, यहाँ पे एडिशन होता है लेकिन साइन कौन सी आती है माइनस, क्योंकि दोनों की माइनस है तो इसकी भी माइनस आएगी, भले एडिशन कर रहे हैं लेकिन साइन माइनस रहेगी हमेशा, याद रखो बड़े वाले की साइन देख लो, अगर ऐसा कंफ्यूजन होना तो बड़े वाले की साइन देख लो, माइनस ट्वेंटी फोर रख दो माइनस, पर जब दोनों साइन माइनस है तो एडिशन होता है ये ध्यान रखो। नेक्स्ट 2.5l माइनस 0.5m एंड 2.5l प्लस 0.5m, यहाँ पे तो अगर आपको फॉर्मूला आता है तो फॉर्मूला के बेस पे भी कर सकते हो आप, और अगर फॉर्मूला नहीं आता है तो डे से मल्टीप्लाई करते हैं उसके बेस पे चलते हैं। अभी फॉर्मूलाज आपको पता ही है a माइनस बी ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डायरेक्ट कर सकते हो बट नहीं करना है हमको तो कोई बात नहीं। 2.5l into 2.5l plus 0.5m, फिर minus 0.5m
इंटू 2.5L प्लस 0.5M, ठीक है, ये किया हमने। अब क्या होगा यहाँ पे 2.5L इंटू 2.5L, 2.5L इंटू 2.5L प्लस 2.5L इंटू 0.5M माइनस 2.5L इंटू 0.5M, क्योंकि 2.5M इंटू माइनस 0.5 तो माइनस, प्लस 0.5M, सॉरी माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, माइनस 0.5M इंटू 0.5M। तो देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2.5 इंटू 2.5 भाई मल्टीप्लाई करके देख लो, मुझे तो आंसर पता है, तो 6.25 आंसर आएगा। तो 6.25 इंटू एल मीन्स एल स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए। 0.5 इंटू 0.5, देखो 0.5 इंटू 0.5 क्या होगा, 5 5 25 होता है और दो डेसिमल, तो 0.25, सो आंसर वुड बी माइनस 0.25 एम इंटू एम, दैट इज एम स्क्वायर, ये आंसर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। सो 2.5L इंटू 2.5L, 2.5L इंटू 0.5L, 0.5M इंटू 2.5L माइनस 0.5M इंटू 0.5L, ये दोनों ने मल्टीप्लाई किया है, अगर बाकी आप डायरेक्टली भी डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, नो नीड टू मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों सेम टर्म्स है, तो यू कैन डायरेक्टली कैंसिल आउट। सो 6.25L माइनस 0.25M स्क्वायर, 6.25L स्क्वायर माइनस 0.25M स्क्वायर, क्योंकि 2.5 इंटू 2.5 आप करके देख सकते हो, मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, नहीं आता है तो देखो मैं बता रहा हूं कैसे मल्टीप्लाई करना है। 5 5 25 2 5 2 10 10 11 12 क्रॉस, 2 5 10 1, 2 2 4 4 1 4 प्लस 1 5, तो 5 2 6 डेसिमल के बाद 1 और 2, तो 6.25, तो 6.25 एल इंटू एल एल स्क्वायर। फिर यहां पे 0.5 इंटू 0.5 मीन 0.25 एम इंटू एम एम स्क्वायर। डायरेक्टली अगर फॉर्मूला लगाते हो सपोज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, तो भी इजीली हो जाएगा, क्योंकि 2.5 एल का होल स्क्वायर माइनस 0.5 एम का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6.25L स्क्वायर माइनस 0.25M स्क्वायर। देखो डायरेक्टली अगर आता है तो यू कैन गो फॉर डायरेक्ट आल्सो, नो इश्यूज। नेक्स्ट, a प्लस 3b इनटू x प्लस 5, सो a प्लस 3b इनटू x प्लस 5 करना है, तो a इनटू x प्लस 5 प्लस 3b इनटू x प्लस 5, तो ax प्लस 5a 3bx प्लस 15b, ठीक है, ax क्योंकि a इनटू 5 5a, 3 into 3b into x, so 3bx, 3 into 5 15b, direct answer. Next, 2p cube plus 3q square into, पहले दोनों देखो अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, एक ये स्टेटमेंट हमेशा लिखो, बहुत सारी जगह मैंने नहीं लिखा है, बट यू शुड राइट 3pq माइनस 2q square प्लस 3q square into 3pq माइनस 2q square, ठीक है, ये तो लिखना ही है। फिर उसके बाद आपका आएगा स्टेप्स, दैट इज 2pq को पहले 3pq के साथ मल्टीप्लाई, फिर 2pq को माइनस 2q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई, फिर 3q स्क्वायर इनटू 3pq, 3q स्क्वायर इनटू 3pq, 3q स्क्वायर इनटू 2q स्क्वायर, 2q स्क्वायर, क्लियर, यहां पे समझ में आया। नाउ 2 3 6, p इनटू p दैट इज p स्क्वायर, q इनटू q दैट इज q स्क्वायर, फिर 2 2 4 और माइनस साइन है तो माइनस 4, p इनटू कुछ है ही नहीं तो p as it is, q into q square, तो q q, जो वेरिएबल सेम है उसी के साथ करना है, ये चीज खास ध्यान दो भाई। देखो बहुत कंफ्यूजन हो रही हो तो स्टेप बाय स्टेप बुक्स, लेकिन मैंने क्या बोला, जस्ट टेक अ बुक एंड नोटबुक, नोटबुक और पेन वगैरह लेके फिर अच्छे से सॉल्व करो तो मजा आएगी आपको। 3 3 9, p as it is, q square into q यानी q cube minus 3 2 6, q square into q square that is q raised to 4, क्योंकि q raised to 2 plus 2 यानी q raised to 4 हो जाएगा, so यहां तक आया। Now ये minus 4p cube और ये 9p cube, तो 9p q cube minus 4p q cube, तो p q cube तो ऐसे as it is रख दो, 9 minus 4 that is 5, तो आपका आंसर आएगा 6p square q square plus 4p cube minus 6 q raised to 4, 6p square q square plus 5p cube माइनस 6q रेस्ट टू 4। नेक्स्ट, मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर प्लस 3 बी स्क्वायर एंड 4 इनटू ए स्क्वायर माइनस 2 बाय 3 बी स्क्वायर, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहे, कोई बात नहीं, हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, चिंता मत करो, डोंट वरी। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले
इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने 4 को पहले इंटरनली मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 4 मल्टीप्लाई किया तो 4 इंटू ए स्क्वायर दैट इज ए स्क्वायर, 4 टू जा 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर। अब आपका 4 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा 4 ए स्क्वायर के साथ, तो मैंने यहाँ पे पूरा टर्म लिख दिया, देखो 4 ए स्क्वायर माइनस 3 8 ए बी 3 पहले इसके साथ, फिर 3 बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा 4 ए स्क्वायर माइनस 3 8 अपॉन 3 बी क्यू बी स्क्वायर सॉरी। अब इसका पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस साइन है तो माइनस 3 अपॉन 4 ए स्क्वायर इंटू 8 अपॉन 3 बी स्क्वायर, 3 बी स्क्वायर इंटू 4 ए स्क्वायर माइनस 3 बी स्क्वायर इंटू बी बाई 3 बी स्क्वायर। ओके, नाउ 3 बाई 4 इंटू 4, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 3 बाई 4 इंटू 4 होगा तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 ए रेस टू 2 इंटू ए रेस टू 2 a raised to 2 into a raised to 2 that is a raised to 4 होगा, so a raised to 4, यहाँ पे 4 2 जा 8 3 3 cancel तो minus 2 a raised to 2 b raised to 2 means a square b square, 3 4 जा 12 a square b square minus ये 3 और ये 3, ये denominator में याद रखना क्योंकि ये नहीं तो आप बोलोगे सर cancel क्यों हो रहा है, तो denominator में और b raised to 2 into b raised to 2 that is b raised to 4, so आपका आंसर आया 3 a raise to 4 minus 2 a square b square plus 12 a square b square minus 8 a raise to 4, तो 12 a square b square minus 2 a square b square अगर करेंगे तो 10 a square b square हो जाएगा, so 3 a raise to 4 plus 10 a square b square minus 8 b raise to 4, so your answer is E. चलो क्लियर है, समझ में आ गया। now we will go for question number 2. find the product of 5 minus 2x इंटू 3 प्लस एक्स, तो पहले 5 को 3 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस 2x को 3 प्लस एक्स, तो 5 3 जा 15 प्लस 5x माइनस 2x इंटू 3, 2 3 जा 6 तो माइनस 6x, 2x इंटू x दैट इज माइनस 2x स्क्वायर, फिर माइनस 6x, देखो ये दोनों तो अलग है, इनके कोफिशियंट वेरिएबल सब कुछ अलग है, खाली ये 5x और 6x, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस x क्योंकि 6 माइनस 5 कितना होता है 1, लेकिन 1 और साइन किसकी बड़ी है माइनस 6 की, तो माइनस एक्स, सो आंसर आएगा 15 माइनस एक्स माइनस 2x स्क्वायर। नेक्स्ट देखो कहीं पे भी कंफ्यूजन है कमेंट कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो रिवर्स कीजिए, गाड़ी को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, वापस कीजिए, पेन बुक लीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए, यू विल गेट द आंसर। नाउ 7 प्लस सॉरी x प्लस 7y इंटू 7x माइनस y, तो सेम x के साथ 7x माइनस y और प्लस 7y के साथ 7xy, तो x into 7x, x into 7x होगा 7x square, x into y होगा minus xy, 7 into 7xy, 7y into 7x means 49xy minus 7y square, 49 minus 1 यानी 48 हो जाएगा, तो 7x square minus 49y minus 7y square, ये दोनों को साथ में ले लिया और plus 48xy, क्योंकि 49xy minus xy था, माइनस कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो एक्स वाई एज इट इज 49 माइनस 1 यानी 48 एक्स वाई, सो यू गॉट द आंसर। नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्क्वायर, तो पहले ए स्क्वायर के साथ ए प्लस बी स्क्वायर और बी के साथ ए प्लस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर इंटू ए क्या होगा ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी इंटू ए क्या होगा ए बी और बी इंटू बी क्यूब बी स्क्वायर क्या होगा बी क्यूब, सो इसके आगे कोई आंसर सॉल्व होगा नहीं, जस्ट अरेंज कर लो, जैसे भी देखो अरेंज करो तो भी ठीक, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बाकी आंसर यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो यू आर करेक्ट, और अगर अरेंज कर देते हो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी, क्योंकि जो भी हाइएस्ट पावर वाले टर्म्स है उनको आगे ले जाओ, फिर उसके बाद जैसे जैसे कम होते जाते हैं उनको पीछे, सो यू विल गेट द प्रॉपर आंसर्स। नेक्स्ट पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन टू पी प्लस क्यू, सो पहले पी स्क्वायर के साथ 2p प्लस क्यू, क्यू स्क्वायर के साथ 2p प्लस क्यू और माइनस साइन क्यू क्योंकि यहां पे माइनस साइन, क्लियर। नाउ पी स्क्वायर इंटू पी तो 2पी क्यू, पी स्क्वायर इंटू क्यू तो पी स्क्वायर क्यू, क्यू स्क्वायर इंटू 2पी तो 2 माइनस 2पी क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इंटू क्यू दैट इज क्यू क्यू। अब यहां पे भी कोई लेना देना नहीं, देखो ये पी क्यूब है, ये पी स्क्वायर क्यू है, ये पी क्यू स्क्वायर और ये क्यू क्यूब है, सो वी डोंट हैव, बट हम अरेंज करते हैं तो हम लोग हायर टर्म्स को आगे ले जाते हैं, दिस इज पी टू पी क्यू माइनस क्यू क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू माइनस टू पी क्यू,
अरेंज नहीं करोगे, यहाँ पे छोड़ोगे तो भी आंसर करेक्ट है। इट इज नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूं कि क्या करना चाहिए। चलिए सिंपलीफाई, क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 5 प्लस 25। सो देखो यहाँ पे एक स्टेप जो मैं नहीं लिखता हूं, अब बता देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस 25, 25 का कोई लेना देना नहीं। सो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स दैट इज एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू 5 दैट इज 5 एक्स स्क्वायर, माइनस 5 इंटू एक्स दैट इज माइनस 5 एक्स, माइनस 5 इंटू प्लस 5 दैट इज माइनस 25, और ये प्लस 25 एज इट इज। तो प्लस 25 माइनस 25 कैंसिल हो गया, तो हमारा आंसर आया एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स, एक्स क्यूब प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स इज योर आंसर। नेक्स्ट, सिमिलरली ए स्क्वायर प्लस 5 इन ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5। तो एक स्टेप आएगा हमारा ए स्क्वायर इन ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5 इन ब्रैकेट बी क्यूब प्लस 3 प्लस 5, ठीक है, इस तरह से रहेगा। सो व्हाट, ए स्क्वायर इंटू बी क्यूब यानी ए स्क्वायर बी क्यूब, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3 ए स्क्वायर, 5 इंटू बी क्यूब तो 5 बी क्यूब, 5 इंटू 3 दैट इज 15 प्लस 5। सो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर बी क्यूब प्लस 5 बी क्यूब, जो हाईएस्ट पावर वाला आगे लेना है तो 5 बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर, 5 प्लस 5 15 प्लस 5 दैट इज 20। तो योर आंसर इज हियर, समझ में आ रहा है? कहीं पे भी कंफ्यूजन हो यू कैन टेल मी, पूछ ले सकते हो। लेकिन देखो मैं तो एक ही चीज कहता हूं, अगर स्टेप बाय वीडियो आपके पास है, समझाने वाला मैं हूं, अगर स्टेप बाय स्टेप करोगे तो आपको समझ में आएगा, नो डाउट। वीडियो एक बार में नहीं समझ में आना, दूसरी बार देखो, सम तीसरी बार देखो, खुद पहले कोशिश करो फिर देखो। फर्स्ट टाइम आपने देख लिया उसके बाद खुद ट्राई करो यार कहां मिस्टेक हो रही, अगर मिस्टेक हो रही वापस चेक करो, और अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हो रही, यू विल गेट टू नो, सो डोंट वरी। नाउ टी प्लस एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी के साथ टी स्क्वायर माइनस एस और एस स्क्वायर के साथ टी स्क्वायर माइनस एस, टी इंटू टी स्क्वायर यानी टी क्यूब, टी इंटू एस यानी माइनस एस टी, एस स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर दैट इज एस स्क्वायर टी स्क्वायर, एस स्क्वायर इंटू एस दैट इज माइनस एस क्यूब। ये आपका आंसर हो गया। इसको अरेंज कर दो तो अरेंज करो, नहीं करो तो भी चलता है, अदरवाइज टी क्यूब माइनस एस क्यूब माइनस, ये आगे आना चाहिए थे, एस स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस एस टी, अरेंज करो तो भी चलता है, नहीं करो तो भी चलता है, एंड योर आंसर इज हियर, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ओ क्वेश्चन देख के डरना मत, अच्छा है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन टेंशन मत लो, विल सॉल्व इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या हो गया, सेम क्वेश्चन कॉपी क्यों किया, चलो मैं बताता हूं क्या करना है, उसको छोड़ दो, a इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ये वाला टर्म इसके साथ, तो a इंटू सी प्लस डी माइनस b इंटू सी प्लस डी प्लस 2ac प्लस 2bd, ठीक है, मैंने इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, 2ac 2bd। नाउ यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट ac माइनस ad, देखो मैं बता देता हूं, शायद ये तो मैंने किया हुआ है, तो जस्ट आई विल शो यू द स्टेप्स, ठीक है, ac माइनस ad प्लस bc माइनस bd प्लस ac प्लस ad माइनस bc माइनस bd, ठीक है। देखो a को c के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ac, a को d के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ad, b into c तो bc, b into d that is minus bd, a into c that is ac, a into d that is plus ad, b into c that is minus bc, b into d that is minus bd and 2ac 2bd। अब सबके ब्रैकेट्स ओपन कर लो, क्या करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ac minus ad plus bc minus bd plus ac plus ad minus bc minus bd 2ac plus 2bc bd sorry 2ac plus 2bd। अब सारे के सारे टर्म्स जो ac वाले 1 2 3 4 तो 4ac हो गया, ठीक है, उसके बाद minus ad प्लस ad कैंसिल, माइनस bd प्लस bd कैंसिल, माइनस bd तो सेम है, प्लस कहां से है, माइनस bd प्लस bd था क्या, एक सेकंड लेट मी चेक, नो माइनस bd इनटू माइनस bd आएगा, सो यहां पे माइनस, वेट, माइनस bd इनटू माइनस bd तो आंसर वुड बी माइनस 2bd। फिर उसके बाद bc प्लस bc इनटू माइनस bc कैंसिल आउट, फिर बचा क्या 2bd, अच्छा 2bd माइनस 2bd प्लस 2bd तो ये भी कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया जस्ट इक्वल्स टू 4ac। आपका आंसर क्या है 4ac, सो आंसर इज 4ac, क्लियर? कैसे कैंसिल किया क्या किया ध्यान देना, उसके अंदर कंफ्यूज मत होना, ठीक,
थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप फॉलो करो जो मैंने यहाँ पे स्टेप्स, यहाँ पे शायद मैंने ये स्टेप मिस कर दिया था, लेकिन ये मिस मत करना, आप लिखना यहाँ पे ये स्टेप, दैट इज ए इंटू सी माइनस डी प्लस बी इंटू सी माइनस डी प्लस ए इंटू सी प्लस डी माइनस बी इंटू सी प्लस डी और प्लस टू ए सी प्लस टू बी डी, ये स्टेप लिखना, तो उसके बाद में आपको इजी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेप, एक्स प्लस वाई इंटू टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई, तो सेम स्टेप लिखो वापस, x इंटू टू एक्स प्लस वाई प्लस वाई इंटू टू एक्स प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस टू वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 2x को 2x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2x स्क्वायर, x को y के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स वाई प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस xy प्लस 2xy माइनस 2y स्क्वायर। ठीक है, सो सी जो भी टर्म सेम है उसके बारे में बात करेंगे पहले, तो इजी हो जाए, तो पहले जो सम टर्म सेम है, तो अगर ध्यान से देखो तो 2x स्क्वायर तो वी विल गेट 3x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, टू एक्स वाई एंड टू एक्स वाई तो प्लस फोर एक्स वाई, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर तो आंसर आएगा माइनस वाई स्क्वायर, माइनस वाई स्क्वायर, दिस इज योर आंसर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर। वापस चेक कर लेते हैं, देखो जस्ट यहाँ पे जो स्टेप एक स्टेप मिस कर देता हूं या मैंने पहले डायरेक्ट कर दिया है, बट आप लोग मिस मत करना, दिस स्टेप हैज टू बी मेंशन हियर, ये स्टेप मेंशन करना भूलना नहीं प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट, क्लियर, क्योंकि आपको इजी नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा सर कि ये क्या हो गया, सो आवर आंसर इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, हाँ बहुत थोड़ा सा इजी है, सिंपल है, देखते हैं कितना आप कर लेते हो। यहाँ पे भी एक स्टेप एक्स, तो मैं स्टेप जो है यहाँ पे लिखता हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, सो इसके आगे आप स्टेप्स देखोगे, यू विल गेट द आंसर, कम टू नो कि किस तरह से करना है। सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, x इंटू माइनस एक्स वाई तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई, x इंटू वाई स्क्वायर तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर, x y इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर वाई, y into minus xy तो minus xy square, y into y square तो y cube। अब देखो plus x square y minus x square y cancel, plus xy square minus xy square cancel, तो x cube plus y cube is the answer, so you got x cube plus y cube, x cube plus y cube आपको मिल चुका है। Next, seventh one, देखो point में है तो multiplication थोड़ा सा accurate करना, मैंने तो already किया हुआ है और उसके बाद लिखा है, but आप लोग please accurately calculate करना। So first step जो आपका आएगा same, 1.5x into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4y into 1.5x plus 4y plus 3 minus 4.5x plus 12y। ठीक है, अब देखो 1.5x into 1.5x that is 2.25x square, मैंने मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी किया हुआ इसलिए डायरेक्टली लिख रहा हूं, बट आप कीजिएगा, 1.5 इसके साथ हुआ, अब 1.5 4 के साथ जाएगा तो 6xy, तो वेरिएबल दोनों अलग है तो 6xy, 1.5 into 3 that is plus 4.5x, लेकिन 4 into 1.5 that is minus 6xy, 4 into 4 that is minus 16xy square, sorry minus 16y square, minus 4y plus 3, so minus 12y, minus 45x plus 12y, so देखो plus 4.5x minus 4.5x minus 12y plus 12y cancel, plus 6xy minus 6xy cancel, तो आंसर आया आपका 2.25x square minus 16y square। नोट करते रहना साथ साथ में तो आपको एक्यूरेट समझ में आएगा, नोट्स के भरोसे मत रहिए, आप लोग क्या सोचते हो कि नोट्स सर अपलोड करने वाले हैं तो नोट्स हम लोग देख लेंगे ये कर लेंगे, नहीं, नोट्स के भरोसे मत रहिए, आराम से इसके थ्रू कैलकुलेट कीजिए, सो आपको सीखने को मिलेगा, बाकी नोट्स के भरोसे रहोगे तो यू विल नॉट गेट एनीथिंग। लास्ट क्वेश्चन, अब इसमें भी सेम, ए को पहले मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है,
देन प्लस बी को करो ए प्लस बी माइनस सी, फिर प्लस सी को करो ए प्लस बी माइनस सी, तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी, ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस बी सी, ए सी प्लस बी सी माइनस सी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस ए सी कैंसिल, माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसिल, ए बी माइनस प्लस नहीं प्लस तो है ये दोनों तो प्लस ही है, मतलब प्लस ए बी रहेगा एक से ना, ये कैंसिल नहीं होगा, प्लस ए बी माइनस ए बी सेम है, ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे, बाकी सब कैंसिल हो रहे हैं, सो आंसर वुड बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी, सो दिस इज योर आंसर. थैंक यू वेरी मच. शेयर दिस वीडियो विद एवरीवन, लाइक द वीडियोस, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, एंड मेन वन थिंग, कहीं पे भी डाउट है तो भी कमेंट करो, डाउट नहीं है तो लिखो आई हैव अंडरस्टूड इट, तो मुझे समझ में आएगा. क्लियर? ओके, टेक केयर, बाय बाय.